G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन के मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान वालों डेलीगेट्स का स्वागत किया जा रहा है, निघा स्वागत किया जा रहा है। सिक्ख्या लेबर के मुद्दे से हाई लेवल मंथन लगातार चल रहा है। 28 मुल्कों के 55 डेलीगेट्स भाग लै रहे हैं, हिस्सा लै रहे हैं। अमृतसर के खालसा कॉलेज के G20 सम्मेलन हो रहा है, तो सम्मेलन लैके सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। दस दिए कि भरवां स्वागत किया जा रहा है, निघा स्वागत किया जा रहा है सीएम मान वालों तमाम डेलीगेट्स का, जो कि देशों विदेशों तो लगातार इतने हाजिरी लवा रहे हैं, हिस्सा लै रहे हैं। सो 28 मुल्कों के 55 डेलीगेट्स हिस्सा लै रहे हैं। सिक्ख्या ते लेबर का विशेष तौर पर काफ़ी अहम मुद्दा जिस पर लगातार मंथन चल रहा है। सो अमृतसर G20 सम्मेलन खालसा कॉलेज जो हो रहा उसका दूसरा दिन अज 28 मुल्कों के 55 डेलीगेट्स भाग लै रहे हैं इस सम्मेलन के। सो अमृतसर G20 सम्मेलन लैके लगातार अलर्ट मोड जारी है, तो उत्थे तुहानू दस दिए कि जिस हिसाब के नाल सूबे दे विच कह लिए कि खबरें चल रही ने, तो उस तो बाद सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार चौकस ने। अमृतसर ने अमृतसर नो फ्लाई जोन ऐलान दिता गया। सो 21 मार्च तक जिहड़ा ड्रोन की गतिविधियां ते रोक लगाई गई, अमृतसर कमिश्नरेट ने आदेश जारी किए ने। सो अमृतसर नो फ्लाई जोन एरिया ऐलान दिता गया, 21 मार्च तक ड्रोन दी गतिविधियां ते पूर्ण रूप दे विच रोक लगा दी गई है। अमृतसर कमिश्नरेट ने आदेश जारी किए ने। सो G20 सम्मेलन लैके अलर्ट जारी कर दिया गया। सो सुरक्षा के लिहाज के नाल तमाम हालांकि पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन उस तो बाद अमृतसर नो फ्लाई जोन ऐलान दिता गया। 21 मार्च तक ड्रोन की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई, अमृतसर कमिश्नरेट ने यह सारे आदेश जारी किए हैं। सो गुरु की नगरी अमृतसर च G20 सम्मेलन खालसा कॉलेज चल रहा, अच्छ दूसरा दिन है। इस तहत ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले तो किए हुए हैं, तो उत्थे तुहानू दस दिए कि नो फ्लाई जोन एरिया जिहड़ा ऐलान दिता गया गुरु की नगरी अमृतसर नू, ते 21 मार्च तक ड्रोन दी गतिविधियां ते रोक लगा दी गई है। अमृतसर कमिश्नरेट ने आदेश जारी किए ने तुरंत प्रभाव के नाल। उत्थे तुहानू दस दिए कि जिथे दूरों दूरों डेलीगेट्स इस सम्मेलन में भाग लै रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज के नाल भी जिहड़े पुख्ता इंतजाम ने वो पंजाब सरकार द्वारा किए हुए हैं, तो उत्थे केंद्र की जिहड़ी एजेंसी की टीमां ने वो भी सुरक्षा के तहत तैनात की गई हैं। सो अमृतसर नू नो फ्लाई जोन एरिया ऐलान दिता गया, 21 मार्च तक ड्रोन दी गतिविधियां ते पूर्ण रूप विच रोक लगा दी गई है। अमृतसर कमिश्नरेट ने तुरंत प्रभाव के नाल आदेश जारी किए ने। सो सुरक्षा के मद्देनज़र ये आदेश जारी हुए ने, तो उत्थे तुहानू दस दिए कि अज दूसरा दिन है G20 सम्मेलन का अमृतसर के खालसा कॉलेज के G20 सम्मेलन चल रहा है, तो अमृतसर नू नो फ्लाई जोन एरिया ऐलान दिता गया। 21 मार्च तक ड्रोनस दी गतिविधियां ते पूर्ण रूप विच रोक लगा दी गई है प्रशासन द्वारा। कमिश्नरेट ने ये सारे आदेश जारी किए। सो G20 सम्मेलन लैके अलर्ट मोड लगातार चल रहा है, अलर्ट जारी है। सो जिथे वक्त थावां चैकिंग की जा रही है उत्थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।